सभी को मेरा नमस्कार। और चूंकि सोशल मीडिया में बहुत सारी बातें चल रही है और इस पर विराम लगाना भी ज़रूरी है, चूँकि आप लोग जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, मैंने कई बार अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया भी है कि जिसको माननीय उच्च न्यायालय पटना ने असंवैधानिक घोषित कर दिया, जिस मामले को माननीय उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया, उस LPA की बात अगर कोई कर रहा है तो अगर एक आदमी पागल हो गया है तो पूरे बिहार के लोग तो पागल नहीं हो जाएंगे। तो आप लोगों को जो संख्या बताई गई है उस संख्या के बारे में तो मैं जाना नहीं चाहूँगा, लेकिन मैं 11,627 कई बार अटता हूँ। जो भी निर्णय होगा और जो भी निर्णय हुआ होगा वह 11,627 जो संख्या है उसी के आलोक में हुआ होगा। और 11,627 जो संख्या है वह किस तरह की संख्या है इस पर आप लोग ध्यान केंद्रित करें। और मैंने पूर्व में भी कहा था वीडियो में कि LPA कहीं से नहीं है, LPA को माननीय उच्च न्यायालय पटना ने ही खारिज कर दिया था, असंवैधानिक घोषित कर दिया था, आपकी मांगों को भी असंवैधानिक करार दिया था, और फर्स्ट बेंच के जजमेंट को और फर्स्ट बेंच में जो पेटिशनर थे उनको जो है यह सारी छूट दी गई थी कि जो भी फर्स्ट बेंच में है उस तरह का जजमेंट आप लोग पढ़ लीजिएगा, स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है। तो जो यह बात कह के और इस तरह का भ्रम फैला रहा है तो यही कहना है वीडियो के माध्यम से कि एक व्यक्ति के पागल हो जाने से सभी लोग पागल ना हो और संवैधानिक चीज़ों का ज्ञान रखें। और चूंकि आप लोग पढ़े लिखे हैं, किसी के बहकावे में कि अब पैरवी की ज़रूरत है और पैरवी करना है, मुझे मदद चाहिए, तो आप लोग जान लें कि एक बार और हुआ था इसी तरह का, जिसमें पॉलिटिकल प्रेशर के नाम पर पैसा वसूला गया था और मदद ली गई थी, लेकिन उस पॉलिटिकल प्रेशर को किसने बनाया था पूरे बिहार ने देखा था। और उस और इस तरह की बात जब हो रही है तो यहाँ तो सारी चीज़ें कर दी गई है, अब यहाँ किसी की पैरवी या किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और अध्यक्ष के रूप में वह 100-200 लेटर जितना लिखना है वह कोई लिख दे तो उसे कोई फर्क पड़ने वाला भी नहीं है। आप लोगों को मैं बता दूं कि हमीद भाई जो थे प्रदेश अध्यक्ष, उनसे ताकतवर कोई नहीं था, और जब उनको ये सारी चीज़ें बताई गई तो जब उन्होंने इस चीज़ को छोड़ दिया और उनको स्पष्ट शब्दों में कह दिया गया कि जबकि वह सभी अर्हताओं को पूरा करते थे, केस में भी थे, LPA में भी थे, CWJC LPA दोनों में थे, तो उनको स्पष्ट शब्दों में कह दिया गया कि आप जो चाहिएगा वह होगा कि सरकार जो चाहेगी वह होगा वो, और इसके और नहीं होने के कारण उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। तो मैं कई बार इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बोलता भी हूँ और आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। एक आदमी अगर कहता है कि पागल की तरह कि अगर इस तरह का हो रहा है तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, वह पैसे की उगाही सिर्फ करना चाहता है, बाकी कुछ नहीं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं उन तमाम साथियों को धन्यवाद देता हूँ जो इसमें दिन रात लगे हुए हैं, वो प्रकाश जी हों चाहे कोई भी हो, उन तमाम साथियों को जो सांख्यिकी के लिए समर्पित है, चंदा वसूली के लिए नहीं। धन्यवाद।